आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, वैसे तो जवाब काफी विस्तृत में है, पर पिछले 3 साल का कॉपर का ओर प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 2021 में जो घटा हुआ था वो 21-22 में ओर प्रोडक्शन बढ़ गया है, पर जहां 17-18 में भारत एक बड़े पैमाने पे कॉपर का निर्यात करता था वो आज ये आयात का प्रमाण बढ़ गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि इस एक्सपोर्ट में घटौती की कोई जांच सरकार कर रही है, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इसकी वजह क्या रही है। जहां तक सवाल है इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट हो रहा है अभी और रिक्वायरमेंट इन द कंट्री, जो नीड है कंट्री में कॉपर का वो ज्यादा हो गया है। और जो तमिलनाडु में हमने माइनिंग कराने का कोशिश किया उधर, नो यू प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अगेंस्ट यू, यू शुड एटलीस्ट लिसन, यू आर ए वेरी सीनियर मेंबर। आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टेटमेंट दयानिधि मारन, यू आर ए वेरी सीनियर मेंबर, आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, प्लीज लिसन टू मी। वी ट्राई टू डू इट देयर that because of the opposition from the people there also we could not do it, whatever it, I am only telling opposition, opposition who could not do it, and overall requirement pollution is also opposition and creating pollution is also danger political pollution is also dangerous no please aap to kisi ke jao, so that's why the import and requirement in the country has increased, and also to increase the production many measures we have taken, and the policy measures also, initially exploration level ka jo G4 level G3 level pe hi hum composite license dete the, abhi G3 level ke liye laya hai, G3 level to G4 level laya hai, aur G3 level pe hum auction karane ja raha hai, ye sab humne bahut measures liya hai, uske sath hi sath streamlining of the project of हमने जो HCL के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए HCL में एक्सप्लोरेशन ज्यादा करने के लिए हमने बहुत कोशिश किया है, उसमें तो एक स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग एट द MCP फॉलोइंग द ओवरसी सप्लायर, इसके अलावा तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने NMET के थ्रू, जो क्योंकि अभी सिर्फ GSI ही करते, लगभग GSI करते हैं एक्सप्लोरेशन जो है, तो वो हमने प्राइवेट लोगों को भी देने के लिए एक व्यवस्था किया है। ऑलरेडी 9 प्राइवेट कंपनीज एनलिस्ट हो गए, एम्पैनलमेंट हो गए, और NMET से पैसा देके हम प्रोएक्टिवली एक्सप्लोरेशन करके, राज्यों से मैं विनंती करता हूं, क्योंकि कभी कभी जब हम निर्णय करके इधर से एक्सप्लोरेशन करके हम रिफंड करते हैं, बरसों तक ये राज्यों में नीलामी नहीं होता है। एक्चुअली नीलामी में, जब नीलामी अच्छे सरते होता है स्पीकर्स महोदय, हमको कुछ पैसा नहीं मिलता है, पॉलिसी हम बनाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू जो मिलता है वो स्टेट को मिलता है। जहां तक मैं एक एग्जांपल मैं पहले भी कोट किया हूं, ओडिशा में माइनिंग में इतना बदलाव लाया है, एंड वो कारण जो कोऑर्डिनेटेड से सेंट्रल और स्टेट के कारण उधर का रेवेन्यू बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है, तो इसलिए और हमने HCL में जो कैपेक्स है वो भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बजट इंक्रीज भी किया है। थैंक यू सर। तो सर प्रदूषण कुछ भी हो, हमारे नेता मोदी जी का स्वच्छ भारत का नारा है, तो हम लोग सब इसमें ये प्रदूषण साफ कर ही लेंगे। आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार ये पूछना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने जैसे IIT धनबाद के साथ MOU करा है, वैसे और किसी इंस्टीट्यूट के साथ MOU करके कॉपर के निर्माण के बारे में आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को हम क्या नियर फ्यूचर में देख सकते हैं कि कॉपर के उत्पादन के मामले में अपना देश आत्मनिर्भर बने? जहां तक सवाल है टेक्निकल सपोर्ट का, तो हमने ऑलरेडी, मैंने बताया NMET से हमने एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने ऑलरेडी एक बदलाव ला चुका है,
तो अमेंडमेंट भी लाया है, रूल में भी अमेंडमेंट लाया है, पॉलिसी में भी लाया है, कानून में भी लाया है। अगर कोई संस्था इंटरेस्टेड है तो दे कैन अप्लाई इन दी एनमेट, एम्पैनलमेंट होने के बाद हम कर सकते हैं। अभी तो हम धनबाद से किया है, बाकी जब रिक्वायरमेंट आएगा हम जरूर, मेंबर का जो क्वेश्चन है वो सजेशन फॉर कंसिडरेशन है, हम जरूर देख लेंगे। श्री चंद्रशेखर साहू, सर ऐसे तो मंत्री जी ने बहुत विस्तार से आंसर किया है, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है सर कि सर जैसे HCL और IIT ISM के साथ एक MOU हुआ है, जो HCL के साथ, ऐसे सर अभी अभी तो मंत्री जी ने भी ओडिशा के बारे में कुछ एक तो बोला है, तो ओडिशा में भी ज्यादा आयरन ओर का और एल्युमिनियम का, बॉक्साइट का ज्यादा माइनिंग हो रहा है और पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम है, इको फ्रेंडली भी होना है, तो इसी हिसाब से कोई ऐसा प्रस्ताव है क्या जो IIT भुवनेश्वर है और बाकी बहुत बड़ा बड़ा संस्था भी है इसके साथ MOU करके ये जो इको फ्रेंडली करने और जहां जहां भी आयरन ओर और बाकी जो माइनिंग हो रहा है उसके हिसाब से वो जैसे प्रदूषण से अच्छा रहेगा और थोड़ा इम्प्रूव होगा, ऐसे कोई प्रस्ताव है क्या सरकार के मिनिस्ट्री के पास? ऐसे प्रस्ताव कोई नहीं है सर, लेकिन IIT धनबाद से जो हमने किया है वो हमने नहीं किया है, HCL ने किया है। तो ऐसे अगर कोई भी राज्य सरकार अपने PSU के तरफ से ये माइनिंग नॉर्मली जो होता है एक्सेप्ट कोल माइनिंग, बाकी सब माइनिंग राज्य सरकार के अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट विल हैपन, तो वो करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने PSU के साथ, फॉर एग्जाम्पल OMCA है आपके पास, OMCA के थ्रू आप किसी भी ऐसे संस्थाओं से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके उसका जो टेक्निकल एक्सपर्ट है आप ले सकते हैं, लेकिन HCL के सामने ऐसे विचाराधीन अभी नहीं है।